हैं और खबर देखेंगे। आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बावजूद तिल्दा के पास एक गांव ऐसा भी है जहां ना तो सड़क है और ना ही बिजली। सरकारी सुविधाओं से विहीन इस गांव के लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं। गांव एक और नहर से घिरा हुआ है। नहर पर पुल और गांव में पक्की सड़क नहीं होने के चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाँव के सैकड़ों बच्चों ने स्कूल सड़क के नाम पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सदन में सड़क के समस्या के साथ भी समस्या है कि 102, 108 गाड़ी इमरजेंसी आते तो हम गांव वाले ला 4 किलोमीटर आगे गांव से वो गाड़ी ला लाल पर थे। यहां तक कि रास्ते के इतना बड़े समस्या है हम के लिए। आज हमारी रास्ता रही थे कुला की सामने अपन घेर चुके हवा हमारा रास्ता चाहिए। 75 साल हो गए तब भी से हमारे गांव परसदा मानपुर में आज तक रोड का लिए कुछ नहीं किए हैं। जब चुनाव आते हैं तब आते हैं प्रत्याशी लोग और हमें जीता हमें वोट दो करके बोलते हैं। उसके बाद जीतते हैं तो इस गांव में दोबारा शक्ल नहीं दिखाते हैं। और ज्ञापन है उसमें इनकी समस्याएं लिखी हुई है कि मानपुर तक जाने वाली जो रास्ता है वो बाधित है, किसी के द्वारा उस जमीन पे अतिक्रमण कर लिया गया है। मैंने पटवारी को निर्देशित कर दिया है तत्काल प्रतिवेदन देगा तो अतिक्रमण हम हटवा लेंगे और वैकल्पिक रास्ता है उसकी व्यवस्था हम बना दिए। खबर बड़वानी से जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश